Disjunct before comparative degrees of adverb, for example, the higher you go, the cooler it is, the more you work out, the more you get reward. These always choose before the adjectives used as nouns. The poor are with us, the rich are with us, the poor, the rich, they are adjectives, but here they are used as nouns. That's why I use the or the here. ये तो तमाम से uses दी के you have to keep in mind. I'm sure that when you come over it and you will be able to import to place the articles in correct grammatical way. But there are some abuses of the where we have to, it's our binding duty to omit the use of the omissions of the or abuses of the where we have to omit abuses or omissions of definite article the omissions are abuses of definite article the कहाँ कहाँ पे हमने the को use नहीं करना. We must be meticulous, we must be cautious while using the there. हमने first of all before material or aspect noun when they are used in a general way, in a general sense. Okay, before material or aspect noun when they are used in general sense. First of all, you must know material and concrete. Material or concrete noun kya? That is made up of matter. Maade se bani. Wo cheeze humko material noun kehte hain. Jaise pen hai mere haath mein, ye glasses hai, main khud hoon, table hai, chair hai, book hai. Kyunki matter se bani. That is made up of matter. Jo maade se bani. They are called material noun or concrete noun in modern English. Mein humko concrete mein. Aspect kya hoti hai? Ye kisi ki quality hoti hai, uska action hota hai, uski state hoti hai. In a very easy way. कैसी चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो कि कॉन्क्रीट नहीं है, जो मादे से नहीं बनी है, जिनको हम परसीव कर सकते हैं. थ्रू माइंड दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आपकी विजडम है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, करेज है, ट्रस्ट है, एफर्ट है, एफर्ट विजडम करेज मटीरियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इनको हम देख नहीं सकते, मैटर से नहीं बनी, मादे से नहीं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ऑनेस्टी है, ठीक है, प्रोबिटी है, ऑनेस्टी है, पेशेंस है, और दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनके सामने दी को प्लेस नहीं करना व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस. फॉर एग्जांपल आई से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देखिए ऑनेस्टी स्पेसिफिक ऑनेस्टी नहीं है, जनरल सेंस में आर डिस्क्राइबिंग हियर ऑनेस्टी. ये पूरी दुनिया की ऑनेस्टी जो है दैट इज बेस्ट पॉलिसी. दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज द आर्टिकल दैट. बट इफ आई विल
मेक इट स्पेसिफिक. अगर मैं इसको खास बना रहा हूं, मैं कहता हूं द ऑनेस्टी ऑफ अली समथिंग एल्स, अली अहमद बिलाल, दैट इज अनफदान द नेम में ये आई यूज्ड आर्टिकल दी है. लेकिन यहां पर जनरल सेंस में बात की थी, आई नेवर यूज्ड आर्टिकल दी, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यहां पर मैंने इसको खास बना दिया, दैट इज आई यूज्ड दी. मैं कहता हूं मिल्क इज ऑलवेज स्वीट, जनरल बात की है मिल्क की, पूरी दुनिया का दूध है. आई नेवर यूज्ड आर्टिकल दी है. बट इफ आई वुड से द मिल्क आई ड्रैंक फ्यू मिनट्स अगो, अब मैंने उस खास मिल्क की बात की है जो मैंने, दैट इज व्हाई आई यूज्ड आर्टिकल दी आर द हियर. दिस इज द फर्स्ट अब्यूज ऑफ दी. आई एम श्योर दैट यू कम टू नो हाउ टू अवॉइड दी बिफोर मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे अवॉइड करना है विद द एग्जांपल्स. आई एम श्योर यू कम टू नो द नेक्स्ट एग्जांपल वेयर यू हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ दी व्हेन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. When plural countable nouns are taken as a general sense, in general sense हम देते हैं जब, for example मैं कहता हूं children always make a noise. प्लूरल countable noun है, आई डन प्लेस दी है बिकॉज इट्स प्लूरल काउंटेबल नाउंस. प्लूरल है, गिने जा सकते हैं, और जनरल सेंस में बात हो रही है, कांट प्लेस दी है. लेकिन अगर मैं कह दूं इसी को इस तरह के कर दूं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. लेकिन अब ये स्पेसिफिक बात हो रही है, पॉइंट आउट कर दिया, जनरल सेंस में बात नहीं है. ऐसे इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल यहां पर मैं नहीं प्लेस कर सेकेंड टू हाउ टू अवॉइड यूज ऑफ दी कि सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ व्हेन दे आर यूज इन जनरल सेंस डोंट यूज आर्टिकल, बट व्हेन दे बिकम स्पेसिफिक देन यू हैव टू यूज आर्टिकल. अगेन आई वुड से अनदर एग्जांपल, पीपल यूजली सेटोल इन द पार्क. यहां मैंने दी नहीं यूज किया, काउंटेबल है, प्लूरल है, प्लूरल में लिया जाता है, काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं लोग. लेकिन जनरल सेंस में बात की जाए तो डिडंट शूज दी है. लेकिन अगर मैं कहूंगा द पीपल held a meeting in the garden, ये खास लोग बन जिन्होंने बाद में एक जलसा किया, मीटिंग की. पास एंड डेफिनेट से मैंने लिया है आपकी बुक की एग्जाम्पल, आई हैव टू प्लेस दी. थर्ड एब्यूज ऑफ दी वेयर यू हैव टू अवॉइड दी दैट इज before proper nouns. Proper nouns जिनमें names हैं, countries हैं, continents हैं, singular
सिंगल पीक्स हैं, आइलैंड्स हैं, लेक्स हैं, इनके साथ हम डीप बेस नहीं कर सकते। कंट्रीज के नेम है, सिटीज के नेम है, ठीक है, प्रॉपर नेम नाउन है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं, सिंगल पीक्स, अ मेजर ब्रांडर दैट इज ऑलवेज कमेंटेड बाय द ग्रामेरियंस इन इंग्लिश ग्रामर्स, ठीक है, मतलब नोट्स पे भी हमेशा लिखा होता है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दैट इज टोटली रॉन्ग, द माउंट एवरेस्ट सिंगल पीक है, इट्स नॉट अ प्लूरल वन, इट्स नॉट अ ग्रुप, माउंटेन रेंज रेंजेस में से नहीं है, दैट इज व्हाई we did not place the article before single mountains, single islands, lakes or countries के नामों के साथ हम the use नहीं कर सकते। हम most important point है ये भी कि हम we can't use the before meals. Before meals, when they are used in general sense, meals जो है जब general sense में बात होगी तो उनके साथ हम the use नहीं कर सकते। For example, मैं कह सकता हूं dinner is always taken at night, lunch is taken at noon, ये एक एवरेज रूटीन है कि ये इन जनरल वे में हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर कोई खास डिनर, मैं कहता हूं द डिनर आई टुक यस्टरडे, नो आई टू प्लेस चीज, अब ये जनरल वे में बात डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, एक खास जनरल हो गया, द लंच आई टुक यस्टरडे, ये खास लंच हो गया, दैट्स व्हाई आई यूज द। इसी तरह अगर इन मील्स के साथ एडजेक्टिव यूज होता है तो देन वी हैव टू यूज आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, अ लेट lunch, adjective before me, a late dinner, adjective before me, we have to use definite article, indefinite article or here. Next, where to avoid the use of the, that is before languages. लैंग्वेजेस के साथ हम दी यूज नहीं कर सकते, इधर उर्दू, फ्रेंच, वी स्टडी उर्दू, वी स्टडी फ्रेंच, वी स्टडी इंग्लिश, दिस एंड दैट, वी कांट यूज दी हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ दी वेंट टू अवॉइड द यूज ऑफ दी, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल, वेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी यूज, प्राइमरी यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वी कांट यूज दी देयर। आई वुड से आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, एट स्कूल नॉट द स्कूल, एट द स्कूल, क्योंकि प्राइमरी जो फंक्शन है वो स्कूल का वो लर्निंग एक्टिविटीज है, दैट्स व्हाई यू कांट यूज आर्टिकल दी हियर। But if it is special one,
the school which is a few miles away, this and that. No, it's a special one. I have to use article D here. But when it is used for its primary function, we can't use D here. Again, I would say, my uncle is still in hospital. General sense है कि अभी भी hospital में है, बीमार है, अभी भी hospital में है. Hospital is for patients. General way में we can't use article that. His primary use. लेकिन if I would say the hospital which is located this and that, खास हो गया the hospital. I met him in the hospital. अब मैं उसको एक खास हॉस्पिटल में मिला, ये प्राइमरी यूज नहीं है जनरल वे में, तो मैंने इसके साथ द लास्ट वन इज द लास्ट ऑफ यूज ऑफ दी इज वी कॉन्ट यूज दी बिफोर द रिलेशन फादर मदर अंकल आंट कुक नर्स इनके साथ हम डी यूज नहीं कर सकते. वी यूजली कमिट ब्लंडर्स इन डेली रूटीन लाइफ में वी कमिट ब्लंडर बाय यूजिंग आर्टिकल विद द रिलेशन फादर. आई वुड से फादर हैज द राइट नॉट द फादर दैट विल बी रॉन्ग. आई मेट met aunt not the aunt. In this way we can't use the D before the relations. So I will conclude the discussion by saying that you must be meticulous, must be cautious by using these articles a number of times. Even not only the student but the teachers as well, they don't use the articles in the correct grammatical way. In your literature book, number of blunders the authors have committed by using the articles. I will give you the example. In the first unit, he said the Arabs were an eloquent people. Now, after my lecture, tell me whether we have to use an eloquent people. I have already said to you, and it's always used before singular count of nouns. It's a big blunder. Although the book is written by with the collaboration of 50 grammarians, but they have the concept in their mind that we have to use an before a, e, I, u. That is not the problem. You have to use before a, e, I, but they must be singular count of. Again, in the 10th chapter, he used the example doctor's family for fear of declared an outcast. He used that is abstract noun, that is again a major blunder, and outcast is not singular countable noun. You must be cautious. I am sure that you will be able to come over it after my lecture. Okay, Allah.